नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिग बॉस देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सोच नहीं सकते कि ऐसे शो को देखने से आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। यह एक ऐसा शो है जहां पर देखने पर लगता तो है कि आपको बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन एक्चुअल सच्चाई तो यह है कि आपको यहां पर बोलने की कोई आजादी नहीं होती है। बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद आप खेसारी लाल यादव का ये इंटरव्यू भी देख सकते हैं। नहीं सकते वहां पर कितना गाली दे सकते हैं, ये वहां पे मायने रखता है। आप किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं, ये मायने रखता है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इन लोगों को छोटी से छोटी बातों के लिए आपस में लड़ाया जाता है, जिससे इनके फैंस आपस में लड़े और इस शो को और अधिक टीआरपी मिले। और आप जानते होंगे जब किसी शो को अधिक टीआरपी मिलता है तो उसकी कमाई भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इसलिए इस साल के बिग बॉस से यूट्यूबर प्रिंस स्टार को पहले ही दिन बाहर निकाल दिया गया, जिसे जियो सिनेमा की रेटिंग 4.4 से 1.2 पर आ गया। लेकिन इसके कारण बिग बॉस की कमाई और अधिक बढ़ गया। जियो सिनेमा की रेटिंग को मेंटेन करने और शो की कमाई और अधिक बढ़ाने के लिए यूट्यूबर इग्निस यादव को भी बुलाया गया, जिससे इस शो को और अधिक टीआरपी मिला और उन्होंने शो को 2 हफ्ते और अधिक बढ़ा दिया, जिससे केवल इस शो वालों का फायदा है। ऐसे ऐसे फालतू शो को देखकर हमें मजा तो बहुत आता है, लेकिन मजा तो शराब बांधने चरस लेने वालों को भी आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। अब ये आपका फैसला है कि आपको ऐसे शो को देखना है या फिर नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आए वीडियो को डिसलाइक करें।